बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार साहब जनाब, इस खिलाड़ी कुमार को आजकल हिट मशीन भी कहा जाता है और इसी हिट मशीन ने तोड़ा है प्रभास की बाहुबली का रिकॉर्ड। जी हां जनाब, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। और बात चल रही है हिट मशीन यानी कि खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार साहब के बारे में, जो धड़ाधड़ हिट फिल्में देने के मामले में बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं। लेकिन जनाब, इसी खिलाड़ी ने अपनी फिल्म की रिलीज से पहले प्रभास की बहुत ही बड़ी फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल अक्षय कुमार साहब की अपकमिंग फिल्म है पैडमैन, लेकिन पैडमैन के बाद वो नजर आने वाले हैं रजनीकांत के साथ फिल्म 2.0 में। और इसी 2.0 ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के मामले में बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2.0 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को 16 करोड़ में खरीदा गया है। और जहां तक बात है बाहुबली की, तो जनाब बाहुबली 2 द कंक्लूजन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को 10 करोड़ 50 लाख रुपए में बेचा गया था। लेकिन 2.0 इस फिल्म से आगे निकली, यानी कि जैसे ही अक्षय कुमार साहब ने रजनीकांत के साथ हाथ थामा है, उन्होंने भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। वो भी अपनी फिल्म के रिलीज से पहले ही इतनी बड़ी सफलता का झंडा गाड़ देना अक्षय कुमार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। देखा जाए तो बाहुबली ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया था, कुछ ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना आसान नहीं था। वहीं अक्षय और रजनीकांत की फिल्म 2.0 ने रिलीज से पहले ही इस रिकॉर्ड को तोड़ा और अब चर्चाओं में एक बार फिर से आ चुकी है। बहरहाल आपको बता दें कि यह फिल्म रजनीकांत की फिल्म रोबोट की सीक्वल है। अक्षय कुमार इस सीक्वल में विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने यह भी कहा है कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में कि इस फिल्म में मेरा रोल क्या है ये अभी किसी को भी नहीं पता है और न ही इसे पहले रिवील किया जाएगा। पर इतना जरूर है कि अक्षय कुमार साहब सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो 2.0 बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, सबसे बड़ी फिल्म भी है, क्योंकि ये फिल्म तकरीबन 400 से 450 करोड़ के बजट में बनी है। अब इतने बड़े बजट में बनी फिल्म जो कि बाहुबली के बजट से भी कई ज्यादा है, जरूर कई रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। अब देखने वाली बात यह भी है कि रिलीज के बाद ये फिल्म बाहुबली के कौन कौन से रिकॉर्ड्स धड़ाधड़ तोड़ती नजर आएगी। लेकिन हाँ, अक्षय कुमार साहब अभी जरूर खुशियां मना रहे होंगे कि उनकी फिल्म ने रिलीज से पहले ही तोड़ा है बाहुबली का रिकॉर्ड। फिलहाल फिल्मी बीट के इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।